हाँ हम सीए 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 में लोग लूटते हैं, हाँ हम लूटते हैं, क्यों ना लूटे भाई। 5.5 साल मेहनत करी है इस कोर्स के अंदर, संडे गवाया, खुद का बर्थडे गवाया, उसका बर्थडे गवाया, रिलेटिव का नाम हमें समझ नहीं आता, प्यार का जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, यू नो पतले आए थे, बैठ बैठ के आदमी मोटा हो चुका है, बुद्धि में कुछ और चलता ही नहीं है इस कोर्स के अलावा। म्यूजिक सुनने से पहले पहले आदमी जिंदगी में म्यूजिक होता था, आज म्यूजिक नहीं है, लॉ चलते रहता दिमाग के अंदर। हमने मेहनत करी है हर अटेम्प्ट में, जो दूसरे कोर्स थे ना उन लोगों ने सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम दी, एक हाथ पेपर रह भी जाता था तो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ दे देते थे, हमारे केस में तकलीफ ये थी एक पेपर फेल हुए तो 4 पेपर रिपीट किया है, हर बार सब्जेक्ट में पास हुए, एग्रीगेट फेल हो गया, उसकी वजह से रिपीट करना पड़ा है। और इन सारी चीजों के बाद अगर हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं। मेंटल प्रेशर झेला है जो कभी दिख नहीं सकता, जितनी लोगों की 3 साल की बुक होती है ना उतनी हमारी एक अटेम्प्ट की बुक होती है, जितना लोगों का सिलेबस होता है 1 साल का अमेंडमेंट होता है हमारा, और इसके बाद भी अगर हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम लूटते हैं तो जरा कभी हमारे पोजीशन पे आकर के देखिए कि कितने सारे टैक्सेस से डील करना पड़ता है। एक महीने में हम कभी खाली नहीं बैठते, पहले 7 तारीख को टीडीएस के कंप्लायंस कर, 15 तारीख को जीएसटी के कंप्लायंस कर, क्वार्टर एंड के ऊपर में टैक्स रिटर्न के कंप्लायंसेस कर, एडवांस टैक्स को ध्यान में रखो, टीडीएस को ध्यान में रखो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को ध्यान में रखो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखो, और हर साल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे क्योंकि हर साल अमेंडमेंट आएगा, हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। और इसके बाद भी अगर हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं, और हमें फक्र है हम इस चीज के लिए लूटते भी है। तो जरा कोई देखे तो सही हम भी हम किस सब्जेक्ट में ऐसा करते हैं। कई लोग हमसे कहते भी फिरते हैं ये तो लक था इसके लिए पास हो गया, ऐसा अगर लक था तो उनके खानदान में तो सारे सीए 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 में होने चाहिए थे, पूरे खानदान में एक जन सीए सीएस नहीं है। क्यों भाई तुम लक लेके पैदा नहीं हुए क्या धरती पे? क्यों भाई तुम लक लेके पैदा नहीं हुए? ओ लक की कमी है, कोई बात नहीं आंटी, लक की कमी है, समझ में आई बात। हमने झेला है वो रात रात की पढ़ाई, हमने झेला है वो कोविड वाला सिचुएशन जब पूरा घर बैठ के नया वाला रामायण देख रहा था, महाभारत देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, साला उस कोविड में भी बैठ के हम पढ़ रहे थे, उस कोविड डेट में भी जाकर के पेपर देके आए हैं, सैनिटाइजर क्या तेल लेने, हमारा पसीना ही सैनिटाइजर था जब पेपर लिख रहे थे। और इसके बावजूद भी अगर हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं, और हमें फक्र है ऐसे लूटने पर। जब इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं ना तो उसके पहले कई अटेम्प्ट लगते हैं, कई गालियां होती है, कई लोगों ने साथ छोड़ चुका होता है, उम्र आड़ी टेढ़ी हो चुकी होती है, हमारे बाकी के दोस्त लाइफ पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर चुके होते हैं, कॉलेज लाइफ के बारे में हमें क्या पता, हम तो एग्जाम देने जाते हैं वो भी मजबूरी है डिग्री लेना है इसके लिए, और इसके बाद भी हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं। ये जवाब उन तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए।